बेसुरे राग और घटिया लिरिक के साथ टोनी कक्कड़ फिर से एक नया गाना हमारे सामने लेकर आए, चॉकलेट सॉन्ग। यार सच में इस गाने को सुनने के बाद तुम्हें चॉकलेट से भी नफरत हो जाएगी। क्या इस मंदबुद्धि बालक को ये बात समझ में नहीं आती, जो काम खुद के बस का नहीं होता उसे नहीं करना चाहिए, वरना पब्लिक गालियों के साथ साथ चप्पल भी मारेगी। और टोनी भैया, अगर तुम्हें ये वहम है कि तुम सिंगर हो, जरा एक बार पब्लिक के बीच में आकर ही गाना गा के दिखा दो, तुम्हें पब्लिक बता भी देगी, तुम्हारी असलियत भी दिखा देगी। देखो तुम्हारी बहन मेहनत करके आ गई है, लेकिन तुम अपनी बहन की मेहरबानियों से आ गए हो, इसलिए तुम्हें ना तो मेहनत का पता है ना ही स्ट्रगल का पता है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो जिसमें तुम्हारा कुर्ता पजामा सॉन्ग है उसका रिव्यू किया था, तब भी वहां एक बात बोली थी, और अब भी इस वीडियो में वही बात सेम मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखो यार, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, बट वहम मत पाल लो। और तुम्हारा वहम ये है कि तुम अपने आप को सिंगर मानते हो, जैसे एक जैसे वर्ड्स को एक साथ मिलाकर उनको लिख देने से उन्हें राइम नहीं कहा सकता, वैसे ही हर एक गाने वाले इंसान को उसे सिंगर नहीं कहा सकता। फॉर एग्जांपल, मैं अगर गा सकता हूं तो मैं अपने आप को सिंगर थोड़ा ना कह लूंगा, क्योंकि भाई मुझे रियलिटी पता है, मुझे अपनी औकात पता है और मैं अपनी उस रियलिटी को स्वीकार करता हूं। इसलिए टोनी भैया, तुम भी अपनी रियलिटी को स्वीकार करना सीखो और लोगों के कानों को दर्द देना बंद करो। सच में जब मैंने टोनी कक्कड़ का नाम पहली बार सुना था तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, ये नेहा कक्कड़ का भाई है यार, तेरी पहचान ही मुझे तेरी बहन से मिली है यार, तेरी खुद की कोई पहचान नहीं है। और जब टिकटॉक था तो उसके बहाने तू अपने गानों को प्रमोट कराया करता था, क्योंकि वहां पर मुजरा करने वाले बहुत सारे थे, और जब ये मुजरा करने वाला प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया और जो मुजरा करने वाले थे वो बेरोजगार हो गए, तो उन लोगों को अपनी वीडियो में डालकर इस इंसान ने व्यूज और सब्सक्राइबर कमाने का एक नया तरीका निकाला है। क्योंकि जहां भारत की जनता लिपसिंग को टैलेंट समझती है, तो वहां पर इन जैसे मुजरा करने वालों की फैन फॉलोइंग तो है ही। और टोनी भैया ने क्या लिरिक्स लिखे, कमाल के लिखे हैं यार, कमाल के। मतलब किसी की चाटने की मतलब एक परिभाषा जो है वो तुमने नए प्रकार से लिख दी है। इस बार अपने लिरिक्स के अंदर जो कैरी मिनाटी का नाम यूज करके तुम लोगों ने जैसे कैरी मिनाटी के फॉलोवर्स को अपने पास बुलाने की कोशिश की है, वाह यार, मतलब चाटने की जो सीमा होती है ना, तुम तो उसको ही पार करते जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात यार, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है यार, कसम से भारत में टैलेंट का स्तर ना बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। अब जाते जाते टोनी भैया तुम्हें एक सलाह भी दे जाता हूं, देखो जो सॉन्ग होता है ना, जो तुम इसे यूट्यूब पर रिलीज करते हो, तो उसके नीचे ना एक कॉमेंट नाम की कोई एक चीज होती है, नीचे कॉमेंट भी होते हैं यार, थोड़ा बहुत उसको पढ़ भी लिया करो। वहां अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे शब्द सीखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे तुम्हारी परिवार मतलब तुम्हारे प्रशंसा में अच्छे अच्छे शब्द वहां लिखे हुए मिलेंगे तुम्हें। सच में वो जब तुम पढ़ोगे, तुम्हें एक असलियत की एक रियलिटी की तुम उसको फेस करोगे कि असलियत क्या है, और तुम्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो कभी कभी जरा वो कमेंट बॉक्स भी खोल कर देख लिया करो, जिसमें लोगों ने तुम्हारे लिए भैया अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते हैं, कभी उनको भी पढ़ने की थोड़ी सी हिम्मत किया करो यार। कसम से यार, इन जैसे गाने जब मैं ट्रेंडिंग में देखता हूँ ना यार, खून खोल उठता है यार। इस प्रकार के गाने जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, कमाल के यार, कहाँ तुम जा रहे हो यार, कौन सा टैलेंट को तुम आगे लेके आ रहे हो, जिसमें कोई मतलब क्या है यार उसके अंदर, चॉकलेट है, लेट है, लेट है, ये क्या है कि मतलब तुम कुछ भी कचरा बना दोगे यार। बस यार बस अब इसके बारे में और बात भी नहीं की जा सकती। टिटू टिटू बंद कर यार इसको, पता नहीं कौन कौन से टट्टी सॉन्ग सुनने को मिलेंगे यार इस मंदबुद्धि से।